अमन भाई शांतनु, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ शांतनु। अमन भाई, उन्होंने आनंद सिंह बिस्ट जी, हाँ एक मिनट सुनिएगा, बहुत ध्यान से भाई जी, ध्यान से सुनिएगा, मैं चीखा चिल्ली में नहीं पढ़ूंगा, पार्टी के लोग हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। अभी उन्होंने आनंद सिंह बिस्ट जी की बात करी। आनंद सिंह बिस्ट जी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी के पिता है। योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण में जब कोरोना चल रहा था उनका निधन हुआ, वो नहीं जा पाए क्योंकि वो राज्य की देखभाल कर रहे थे। मैं आनंद सिंह बिस्ट जी से जुड़ा एक छोटा सा पांच दो मिनट का किस्सा सुनाऊंगा। जब मैं उनसे मिला अपनी किताब लिखने के लिए, उत्तराखंड गया 4 साल पहले, बहुत देर तक उन्होंने उनसे बात करी, योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया, अजय सिंह बिस्ट के बारे में बताया जो उनका संन्यास से पूर्व का नाम था। जब मैं जानने लगा अमन भाई, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने बोला तुमने गांव में जो मेरा छोटा सा नीला मकान देखा है उसी में रहते हो आज भी। एक मुख्यमंत्री का परिवार एक छोटे से 2 कमरों के मकान में रहता है जिसमें आप गाड़ी से जा भी नहीं सकते आज भी। उन्होंने बोला जो 2 कमरों का तुमने मकान देखा है वही मेरे जीवन की संपत्ति है। और फिर वो थोड़े से भावुक हो गए। अब सुनिएगा इसको राकेश जी भाई, ध्यान से, वो थोड़े से भावुक हो गए, उन्होंने हाथ मेरा और जोर से पकड़ लिया और बोले वो तो मेरी छोटी संपत्ति है लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, धीरे से बोले, एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और वो आनंद सिंह बिस्ट जी का तो निधन हो गया, जैसा उन्होंने कहा आनंद सिंह बिस्ट जी का निधन हो गया, योगी आदित्यनाथ कार्य में लिप्त थे, वहां नहीं जा पाए, बहुत से कार्यकर्ता पार्टी के गए वहां पे, लेकिन मुझे लगता है वो बात मेरे कानों में तो गूंजती है आज भी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गूंजती है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और मेरे ख्याल से 15 साल बाद पहली बार, बाकी आप उनका जो सबसे बड़ा कड़ा विरोधी भी होगा वो इस बात पे नहीं घेर पाएगा कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला। मैं बात कर लेता हूं, क्या होता है, नगीना प्रसाद साहनी जी, आपने टिप्पणी करी कि उनके पिताजी का निधन हुआ वो नहीं जा पाए, कोई ऐसे टिप्पणी करेगा कि अखिलेश ने मुलायम जी के साथ क्या किया वो अच्छा नहीं लगेगा, जो पिता का ना हुआ वो राज्य का क्या होगा, फिर इस तरह की बातें कही जाएंगी, तो पर्सनल ना हुआ जाए। न्यूज 18 आपकी वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ अमन भाई, मैं न्यूज 18 आपकी वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ कि पिछले 7 साल में NCRB जो 2020 का डेटा 21 में आया, पिछले 7 साल में सबसे कम रंगदारी के मामले, डकैती के मामले, रेप के मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। देखिए शायद उनको कंफ्यूजन हुआ है आपके, मैं NCRB का डेटा आपकी न्यूज 18 की वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ। देखिए कंफ्यूजन क्यों हो सकता है, क्योंकि वो डेटा एब्सोल्यूट में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की आपको पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा निकालना पड़ता है। अगर आप एब्सोल्यूट में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है तो एब्सोल्यूट में नंबर बढ़ा आएगा। अमन, मैं पिछले 3 हफ्ते से अमेरिका की यात्रा से करके आ रहा हूं, जहां मैंने योगी आदित्यनाथ की किताब के बारे में अपनी बात रखी, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। मैंने वहां पे हार्वर्ड में चर्चा करी, मैंने वहां पे हार्वर्ड में चर्चा करी। जब हार्वर्ड में चर्चा हुई तो आपको बड़े सुन के दिलचस्पी होगी, उन्होंने पूछा कि भाई एक सन्यासी को राजनीति में क्यों आना चाहिए, एक सन्यासी को तो छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो जब मैंने उनका एक केस बताया तो लोगों ने तालियों से मेरा स्वागत किया। मैंने बताया जो पहली फाइल योगी आदित्यनाथ के पास आई वो आई कि आपके लिए कौन सी लग्जरी गाड़ी खरीदी जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पिछली गाड़ी इस्तेमाल कर लूंगा, तो लोगों ने कहा, ऑफिसर ने कहा नहीं परिपाटी है, मायावती ने हमें 1.5 करोड़ की गाड़ी दिलवाई लैंड क्रूजर, अखिलेश यादव ने हमें 2 SUV दिलवाई 7 करोड़ बीजेपी के प्रवक्ता लग रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं पिछली गाड़ी इस्तेमाल करूंगा लेकिन हाँ मैं 250 रुपए खर्च करवाऊंगा, आप मेरी सीट पे भगवा कलर का तौलिया लगा दीजिए बस। अमन जी, मायावती ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च करवाए सरकार के, ठीक है, अब आप पहले बोलिए 7 करोड़ और पहले थाने के भाई खड़े हो। 3 जगह में लगाई थी कन भंडारा, मोदी जी योगी जी के सब कार्यकर्ता लगे थे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वाले हैं। ये जो है सपा वाले, बसपा वाले, ये सफाई डांस देखे कोरोना काल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जनता 25 करोड़ परिवार के लिए, एक एक 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश का युवा उनका परिवार है, ना कि सफाई में डांस देखने। ये गुंडा पार्टी, माफिया पार्टी फिर से ये चाह रहे सफाई में तमाशा देखे, पर उत्तर प्रदेश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी भारी मतों से मुख्यमंत्री को जा रहे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बैठ रही आ रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यूपी में, खड़े हो जाइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए अच्छा पहले देखिए सुशासन से बढ़ करके, एक मिनट शांत, सुशासन जो उत्तर प्रदेश में सुशासन की आवश्यकता थी वो सुशासन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में देखने को मिल रहा है। जैसा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि बाबा का बुलडोजर चल जाता है, बाबा का बुलडोजर उसी पे चलता है जो 5 साल समाजवादी पार्टी के सरकार में लूट करके आज जो गुंडे ही कर रहे हैं उन गुंडे के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता है। और मुझे लगता है कि ये बुलडोजर
आगे भी योगी जी के सरकार में चलता रहेगा, समाजवादी पार्टी के गुंडों के ऊपर चलता रहेगा। चलिए बुलडोजर मॉडल वर्सेस जिन्ना मॉडल, चलिए ठीक है। अब मैं शमसुद्दीन, ख्वाजा शमसुद्दीन जो कि योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल पूरा हो जाए। जिसको लगता है योगी की सरकार, हाथ खड़ा कर दीजिए भाई, कैमरे में दिखाएंगे अब की बार योगी सरकार, जिस जिसको लगता है। अच्छा ठीक, हाथ ऊपर रखिए अभी, चलिए अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब की बार साइकिल की सरकार किस किस को लगता है? चलिए ठीक है, अब की बार बहन जी की सरकार नहीं, मेरे को तो लग रहा